बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समर एग्ज़ाम 2024 पीफा का लोकल फंड ऑडिट का पेपर है। इसमें से कैश बुक मैंने आपको पहले करवा दी थी, आज इसके कुछ मजीद क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है, ये कह रहा है कि पीडब्ल्यूडी डिवीजन लोकल गवर्नमेंट पेड 43,000 क्वांटिटी, ये वहाँ यहाँ उसने क्वान्टिटी बता दी हुई है कि 43,000 जो है वो CFT क्वान्टिटी आइटम की, जो कि डिसमेंटलिंग रोड पेमेंट। तो ये रेट है 57,700 के हिसाब से कंट्रैक्टर को। इसमें से वो कह रहा है कंट्रैक्टर 90% ओल्ड मटेरियल वाज टू बी यूज्ड एट द सब बेस ₹10,800 पर 100 CFT। 90% क्वांटिटीज में यूज करनी है, 43,000 का 90% निकालेंगे तो वो क्वांटिटीज में यूज करनी थी। वेयर एज डिपार्टमेंट यूज 19,000 CFT क्वांटिटी ऑफ ओल्ड मटेरियल एज सब, लेकिन डिपार्टमेंट ने 19,000 क्वांटिटी यूज कर ली है, जो हमने इसका 90% निकाला उसमें 19,000 तो ये यूज करके, और जो बाकी वो कह रहा है कि एंड रिमेनिंग क्वांटिटी वाज पेड एट ₹28,500 पर 100 CFT न्यू मटेरियल ऑफ सब बेस। तो बाकी की जो 28,500 के हिसाब से पेमेंट कर दिया, तो आपने रिकवरी करनी है कि अगर उसको अजाफी जो है वो पेमेंट हुई है। तो सबसे मैं यहाँ कुछ कैलकुलेशन की हुई है, वो मैं यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर इसको आप थोड़ा सा पढ़ लें, ऊपर तो चलें क्वेश्चन लिखा हुआ सारे का सारा। यहाँ पर देखें 43,000 क्वांटिटी थी, उसका जो रेट था 57,600 था, उसको इसे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड किया तो 2,476,800 आ गया। अब 90% क्वांटिटी निकाल तो 38,700 की क्वांटिटी बनती है, उसका जो रेट यूज़ करना था वो 10,800 था। अगर इसकी अमाउंट अगर देखें तो इस सारे की तो वो ये एक्चुअली अमाउंट जो वो ड्यू ये बनती थी, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ने 19,000 क्वांटिटी यूज़ कर ली है, ठीक है, और बाकी जो क्वांटिटी बच गई 19,700, क्योंकि 38,700 में से 19,000 आप माइनस कर दें तो जो बचेगा दैट वुड बी 19,700। अब ये जो डिपार्टमेंट है इसने जो यूज़ किया है वो 19,000 को यूज़ किया है 10,800 के हिसाब से, तो ये डिपार्टमेंट ने सही जो अमाउंट है वो यूज़ कर ली है, 20,52,000 ही आ गया। अब जो बाकी 19,700 बच गई है ना, वो 28,500 के हिसाब से यूज़ किया है। ये 28,500 ज़रब 19,700 तकसीम 100 करेंगे तो ये आपके पास 5,614,500 ये आ जाएगा। अब यानी कि डिपार्टमेंट ने जो है ये 28,500 के हिसाब से ये यूज़ कर ली। अब रेट में जो डिफरेंस है वो एक्चुअली क्या है कि 28,500 रेट उसने यूज़ अभी इस नया मटेरियल था इस हिसाब से यूज़ कर लिया, जबकि करना 10,800 के हिसाब से था। इन दोनों का फर्क निकाले 17,700 जो है वो रेट का डिफरेंस है। अब उसको ओवर पेमेंट, चूंकि 19,700 जो क्वांटिटी है ये जो उसने 19,700 ये ओवर रेट से उसको पे किया गया, तो ये जो 19,700 था इसको जो रेट ओवर हुआ 17,700 उससे मल्टीप्लाई किया 100 पे डिवाइड कर दिया तो 34,86,900 ये ओवर रेट की जो पेमेंट है उसको वो चली गया। तो एक्चुअली यही वो रिकवरी है जो कि उससे ड्यू है, जो उससे हमने कैलकुलेट कर लिया, जो उससे जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे ये रिकवरी हमने लेनी है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर वन हो गया कि आपने रिकवरी कैलकुलेट कर ली, उम्मीद है समझ आ गया होगा, कोई ना चीज समझ आए तो पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फार्मेशन लोकल गवर्नमेंट पेड 16,647 CFT क्वांटिटी आइटम डिसमेंटलिंग, ये वो दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है 16,550.30 पर 100 CFT कॉन्ट्रैक्ट। Neither the old steel was accounted for in the books of division nor any recovery was made from that. ये कोई भी यूज नहीं किया गया। Calculate total cost and quantity of old steel at the rate of 130 per kg to be obtained from dismantling or recovery from the contractor if 3.06 kg steel was used for execution of 1 CFT quantity of reinforcement. अच्छा, यहाँ पर वो बता रहा है कि लोकल गवर्नमेंट को 16,647 CFT क्वांटिटीज इस मद में दी गई डिसमेंटलिंग सीमेंट कंक्रीट रीइंफोर्स्ड के हिसाब से ये रेट दिया गया। इसमें से वो कह रहा है कि ओल्ड स्टील भी उसने यूज़ नहीं किया और उसके अलावा कोई रिकवरी भी कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से नहीं की गई, तो आपने टोटल कॉस्ट और जो क्वान्टिटी है स्टील की वो कैलकुलेट करनी है, जबकि 130 पर kg डिसमेंटलिंग से स्टील जो है वो होता है और उसका जो रेट है वो 3.06 रेट है जिस रेट पे वो स्टील जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये सादा सा है, सबसे पहली बात है जो क्वांटिटी पेड की गई है उसको वो 16,647 है और पर 100 CFT। अब इसमें वो कह रहा है कि स्टील पर CFT क्वांटिटी 3.06 kg यूज़ होता है,
अगर टोटल स्टील की बात करें केजीज में, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें क्वांटिटी को पर सीएफटी क्वांटिटी के साथ, तो 50,940 राउंड ऑफ करके आ जाएगा। अब पर केजी जो रेट था वो 130 यूज हो रहा है, ठीक है, पर केजी। तो यहाँ पर चूंकि आपके पास जो टोटल स्टील यूज हो रहा है उसकी ये क्वांटिटी थी, चलिए मैं यहाँ क्वांटिटी लिख देता हूँ, चलो उसने क्वांटिटी भी हमें कहा है कि वो बताएं और जो कॉस्ट है वो बताएं। तो टोटल स्टील की जो कॉस्ट है वो इस इन दोनों को यानी कि 50,940 को ये क्वांटिटी आ गई और पर केजी इतना स्टील लगता है 130। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 66,220 ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी उसकी। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हाउ आर रिकवरीज ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटेड इन पब्लिक वर्क्स अकाउंट। अच्छा, ये रिकवरीज कैसे होंगी? पहली बात है कि वो कह रहा है कि ओवर पेमेंट मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। अच्छा, एक साल में अगर कोई ओवर पेमेंट हो गई है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा रिकवरी के लिहाज से? तो ओवर पेमेंट जो भी है, तो जब उसका बिल बन के आएगा तो उस बिल में से ओवर पेमेंट जो है वो माइनस हो सकती है, ये तरीका कार है। दूसरा है टूल्स और प्लांट्स। टूल्स एंड प्लांट्स यानी कि जो साजो सामान उसको कॉन्ट्रैक्टर को आपने दिया हुआ है उसके रेंट की मद में, वो आपने पैसे उसने अगर नहीं दिए आपको तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? एक तो पहली बात है कि अगर तो 5 मिलियन तक सारा काम हो तो उसकी 10% सिक्योरिटी रखी जाती है। अगर 5 मिलियन से ज़्यादा हो तो वो 5% उसकी सिक्योरिटी डिडक्ट की जाती है, जो कि G10113 इस अकाउंट में जमा करवाई जाती है। अब अगर इस अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे जो सिक्योरिटी उससे ली हुई थी एडवांस में, और वो अब उसने पैसे नहीं दिए, टूल्स और प्लांट्स का जो रेंट बनता था उसने वो नहीं दिया, तो फिर उसका जो सिक्योरिटी पड़ी थी उसमें से ये पैसे उसके काट लिए जाएंगे। अब वो जो पैसे वहाँ से उसके रखे गए थे यानी कि जो वहाँ से काटे गए थे उसके सिक्योरिटी में से, उनको फिर डिडक्ट कर लिया जाता है। उसका हेड है C02716 अदर्स का, उसमें जाके फिर वो जो पैसे हैं वो ऐड करवा दिए जाते हैं। तो इस तरह करके ये जो सारी की सारी जो टूल्स और प्लांट्स हैं इस तरह से उसको रिकवर किया जाता है। इसके अलावा ये जो ओवर पेमेंट वाला है ना, ये ट्रांसफ़र एंट्री से भी हो सकता है। ट्रांसफ़र एंट्री का जैसे अभी मैंने ये दो आपको अकाउंट्स की बात की है, जी वाला और सी वाला, तो इसमें ट्रांसफ़र एंट्री से भी डेबिट क्रेडिट किया जाता है ओवर पेमेंट को, अगर कोई हो गया तो उससे भी ट्रांसफ़र एंट्री से भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखें, व्हाट आर द फॉलोइंग आइटम्स इन स्टॉक अकाउंट इंडिकेट व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू पुट द मैटर स्ट्रेट। पहली बात है कि यहाँ पर वो कह रहा है कि माइनस क्वांटिटी विद प्लस वैल्यू। अगर कोई वहाँ से आइटम आपने निकाला था स्टॉक में से, मान लें कि वहाँ पर कोई भी आइटम पड़ा था, वहां से आपने माइनस करना था, सपोज कर लें उसकी जो क्वांटिटी थी वहां पर पड़ी वो 5 थी, ठीक है। अब आपने माइनस क्वांटिटी करना था तो वो एक्चुअली वहां होना चाहिए था 4, ऐसे ही है। अब वहां पर वो कह रहा है कि आपने उसको माइनस करने के बजाय आपने उसको प्लस कर दिया, यानी 5 में उसको प्लस कर दिया गया बजाय माइनस के, वो प्लस हो गया। तो ये एक्चुअली यहाँ पर जो शो कर रहा होगा आपके स्टॉक का बैलेंस, तो वो ये 6 शो कर रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको यानी कि किस तरह ट्रीट करेंगे? तो जाहिर सिंपल सी बात है कि आप उसको 2 दफ़ा यहाँ से माइनस कर देंगे, 6 में से एक पहले 1 माइनस करेंगे तो 5 हो गया, फिर 1 दफ़ा माइनस करेंगे तो 2 दफ़ा माइनस करेंगे तो माइनस क्वांटिटी जो है वो सर इस तरह से ट्रीट होगी अगर वो प्लस होगी। सिमिलरली अगर कोई प्लस क्वांटिटी माइनस की वैल्यू के साथ आपने कर दिया, मसलन वहां पर कोई आइटम पड़ी हुई थी वो थी 4, तो वो प्लस करनी थी यानी उसमें कोई आपने नई आइटम ऐड की है वो एक्चुअली होना चाहिए था 5, 4+1 5 होना चाहिए था, जबकि आपसे जो हुआ है वो आपने क्या कर दिया कि उसमें 4-1 कर दिया है, यानी आपने एक्चुअली उसको 3 कर दिया। तो अब जब ये जो 3 हुआ है तो जारी बात है 5 कैसे होगा, इसको 2 दफ़ा प्लस करना पड़ेगा। तो वो जो आइटम आपसे माइनस होगी, एक तो उसका असर ख़त्म हो गया, रिवर्स एंट्री होगी, और एक दफ़ा आपने दोबारा से उसको जो एक्चुअल
उसका सम करना था, प्लस करना था ये वाला, तो एक आपने वो कर दिया। तो इस तरह करके आप ये जो दो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हैं इसको इस तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो ये अब सारा जो पेपर था वो ऑलमोस्ट मैंने आपको करवा दिया है। ये एंड पे रह गया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कमेंट्स का है, इसको चले बाद में देख लेंगे, वीडियो लेंथी हो रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव यू एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क। थैंक यू सो मच।